ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने की सुन लो मुहूर्त नहीं, अकेली चलूंगी किस्मत से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम ट्रेंड चेंजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी साहसी लड़की गुड़िया की, जिसने नाबालिग उम्र में दुल्हन बनाकर ससुराल भेजने के अपने माता पिता के मंसूबे को नाकाम कर दिया। घटना झारखंड के कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के काराखुट की है। गुड़िया की साहस की आज पूरे क्षेत्र में खूब तारीफ हो रही है। नौवीं क्लास में पढ़ने वाली गुड़िया की शादी घर वालों ने 12 मई को तय की थी, लेकिन गुड़िया ने घर वालों से बाल विवाह कराने से मना किया। फिर भी घर वाले नहीं माने, जिसके बाद गुड़िया ने अपनी सहेलियों के साथ डोमचांच बीडीओ उदय कुमार सिन्हा को अपनी शादी रुकवाने के लिए आवेदन दिया। फिर आगे क्या हुआ, हमारे सहयोगी मनोज कुमार ने बात की गुड़िया से। राधा और उसकी मंडली, आज जिस बच्ची गुड़िया की बात कर रही थी कि उसका बाल विवाह रुकना है, अभी हम उस गुड़िया के घर में हैं। हमारे साथ गुड़िया है, हम जानते हैं कि किस तरीके से इसने अपने विवाह का विरोध किया है। आपकी शादी होने वाली थी? हाँ, कब होने वाली थी? 12 मई को शादी होने वाली थी। तो आप शादी नहीं कर रही हैं? क्यों? क्योंकि राधा पांडे से मैं किसी की नहीं शादी करना चाहिए। अच्छा, तो फिर तो घर वाले जब शादी तय कर दी है तो फिर आप कैसे विरोध कर रही हैं उसका? मैं ऐसे विरोध कर रही हूँ कि घर वाले को समझाने की कोशिश बहुत कर रही हूँ, और समझ गए हैं मेरे घर वाले भी, और मेरे घर वाले भी राजी हो गए हैं, और मेरी शादी में नहीं होगी। नहीं होगी, रुक गई है शादी? हाँ, रुक गई। तो कैसे रुकी है ये शादी? हम जा करके वहाँ पे एप्लीकेशन लिख करके दिए वीडियो से सर के, और वही मेरे शादी रुका है। क्या एप्लीकेशन दिया आपने? हमने दिए हैं कि हम अभी पढ़ना चाहती हैं और अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मेरे प्रॉपर पढ़ाई होना चाहिए। तो घर वाले लोग आपको इस, जब आप ये सब विरोध कर रही थी, तो घर वाले आपका ये नहीं कर रहे थे कि आपने क्यों इस तरीके से कर रही हैं? जी हाँ, हमको डांट रहे थे, हमको बोल रहे थे तुम ऐसा क्यों, कि हम बोला हमको शादी नहीं करना, हमको पढ़ना है। फिर हम घर वाले से पूरा हम बोले कि मम्मी हमको शादी नहीं करना, हम पढ़ना चाहते हैं और हम पढ़ के कुछ बनेंगे। तो मम्मी इतना आसानी से मान गए? हाँ, मम्मी मान गए कि उसके लिए मशक्कत करना पड़ा, कुछ करना पड़ा वीडियो को चिट्ठी लिखा आपने। हाँ। फिर वीडियो साहब ने क्या किया? वीडियो साहब ने प्रशासन भेजे मेरे घर पे। अच्छा, तो मेरे भैया और मेरी मम्मी और हम थाना गए, वहाँ भी हम बोले कि लड़का वाले जिद्दी कर रहा था, हम शादी नहीं करना चाह रहे। फिर जाकर शादी रुकी। गुड़िया ने पहले तो अपनी माँ और बड़े भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन अभावों में जी रही गुड़िया के परिवार शादी रोकने के लिए तैयार नहीं हुए, तो गुड़िया को प्रशासन का सहारा लेना पड़ा। माँ अभी हमारे साथ में है। गुड़िया की शादी आप लोग कर रही हैं? शादी है? रुक गया शादी। क्या, कैसे रुक गया? जैसे हम गुड़िया नहीं हम समझा पाए हैं, गुड़िया भी पहले भी रिश्ता जुड़े हैं उनको, पति गुजर गए हैं, तो हम सोचे कि बोल कर ना तेरे से हमको सहारा देवे वाला नहीं है, तो हल्ला फला में अच्छा परिवार मिले, अच्छा लड़का मिले, तो हल्का तिलक दे के हम कैसे करके निभा हम करके सीख जाए। तो गुड़ी है से अब बाल विवाह में जुड़ गए हैं, 6 महीना के हो रहे हैं, तो कहें कि हमको बोलने मम्मी से हम पढ़ने के चाहते हैं, हम शादी नहीं करना चाहते। तब डांट हम भी किए और हमको लड़का भी किए, बोलना है बोला इतना रिश्ता जुड़ गए हैं और 2 साल हो गए तो हम शादी कर लें, तब हम पढ़ाएंगे भी, अभी लड़का भी पढ़ाएंगे, इसे हम बोल रहे हैं। तो नहीं मानी बोली, तो फिर हमको लोग समझाएंगे, तो हम बोले विषाने तब वहाँ से थाना से आ गए हैं प्रशासन, मेरा दुआरी फिर खड़ा हो गया, तो हम भी बाहर हो गए, लड़का भी बाहर हो गए आस पास, तो हम यही बात हम कह के सुना देंगे। तो फिर आधार कार्ड तो लड़की के और प्रकाश पास हम भाई और हम मम्मी गुड़ी के थाना गए, थाना भी यही बात हम बोले। तो घर आए हैं तो लड़का देने से हम पूछे हैं, बोले मैम 50,000 पैसा दिए हैं, तो बोल किससे रोकेंगे यार, शादी है 12 मई के, अगर रोका दे रहे हैं तो कौन इसको जिम्मेवारी लेते हैं, इसलिए हमको ताकत नहीं है, ना हमको कोई सहारा देवे वाला है।
बहुत हम गरीब है, तो मान गए, बोल नहीं बोल हम पढ़ाएंगे, हम शादी करेंगे, मदद करेंगे, तो हम भी समझ गए। तो अब कैसा, तो प्रशासन जब रोका है तब आप लोग रुकी हैं शादी के लिए, अगर अभी प्रशासन नहीं रोकेगा तो शादी आप कर देंगे? हम तो सोच रहे बोले हम कैसे करके हम निकल जाएंगे हल्का फुल्का में, तो हम रुक गए, तो अब हम खुशी से हम नहीं करेंगे अब शादी लड़की की। प्रशासन जब मना किया है तब रुक गए? हाँ रुक गए। अच्छा, प्रशासन रुक गए, हमको सहारा वाला नहीं कोई है, ना हमको एकदम गरीब है, एकदम हम लोग सब तरीके। तो क्या क्या शादी का तैयारी कर ली थी आप? कुछ नहीं, खाली हम 60,000-70,000 ने खर्चा किए हैं, नगद दिए हैं 50,000, और लड़का के फलदान किए तो उन्हें फल फूल दिए हैं, बर्तन दिए हैं, सब खरीदा गया है, सब दहेज के जितना सब सामान खरीद चुके हैं, दहने हम दिए हैं फलदान करे थे, एगो परात कपड़ा लड़का के, सब चीज कर चुकी थी। अब शादी रुक गया तो आपको अफसोस हो रहा है? अफसोस हो रहे हैं कि बोल हम कर्जा महाजन करके। गुड़िया की शादी की तैयारी में लगे उनके भाई, जब शादी रुक गई है तो वो इसको किस रूप में देखते हैं, हम इससे जानने की कोशिश करते हैं। अब शादी नहीं हो रही है, प्रशासन ने रोक लगा दी, शादी रुकावट लगा दी है, तो आप लोगों को कितना परेशानी हो रहा है इससे? परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हम गरीब परिवार से हैं, और मेरा पिताजी इसका रिश्ता करके गए थे, तो हमको लगा कि ना कि अच्छा परिवार है तो हम लोग शादी कर लें। अब जब प्रशासन जो रोका लगा दिए, कम से कम भी सोचते कि प्रशासन से मदद हमको मिले। प्रशासन से मदद मिले, किस तरह का मदद चाहते हैं? इस तरह से कि हम 300 रुपये लेबर काम करते हैं, अच्छे परिवार को पालना पड़ता था, हम इसको पढ़ाने का मेरा शक्ति नहीं है। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं कि उसका जो भी है पढ़ाने लिखाने का उसका खर्चा मिला जाए, जो सरकार तरफ से सहायता मिला जाए। अगर सरकार सारी सहायता दे रही है, जो भी आपके परिवार के लिए जो जरूरत है, अगर वो सारी चीज़ें पूरी करती है, सरकारी योजनाओं से जुड़ती है, तब आप क्या चाहेंगे कि कब उसकी शादी होनी चाहिए? वो मैं उतना चाहता हूँ कि जितना गुड़िया पढ़ सकती है उतना उसको पढ़ने दिया जाए, हम लोग उससे खुश है। से खुश है? हाँ। तो अब मतलब आप चाहते हैं कि गुड़िया जो अपना सपना पढ़ करके पूरा करना चाहती है वो हो? हाँ, जो सपना अपना, जो अपना कदम पर जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक उसका शादी बारे में सोचेंगे भी नहीं, सोचेंगे नहीं। हाँ। ये प्रशासन के दबाव की वजह से या गुड़िया की खुशी की वजह से? आपने नहीं, नहीं, प्रशासन भी हमको जिसने समझदार रहे थे वो समझाया, गुड़िया भी हमको समझाया, तो हमको भी लगता है कि यार गुड़िया को पढ़ना चाहिए। तो गुड़िया को पढ़ना चाहिए, मतलब एक तरफ जहाँ प्रशासन का दबाव, वहीं दूसरी तरफ गुड़िया के सपनों को लेकर खुशी, ताकि गुड़िया अपने सपनों को पूरा कर सके। अब हम देखते हैं, चूँकि इस परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, पिता है नहीं, एक भाई के भरोसे परिवार के 6 लोगों की जिंदगी पल रही है, वो भी दिहाड़ी मजदूर है, हर दिन काम करने का 300 रुपया मिलता है, ऐसे में परिवार कैसे चले, जबकि कई सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है, माँ का वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन की योजनाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। गुड़िया की पढ़ाई की अगर बात करेंगे तो इन्हें भी जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है, ऐसे में प्रशासन अब इनकी कितनी मदद करता है, और इस पूरे प्रकरण में चूंकि प्रशासन ने गुड़िया की पहल पे शादी तो रुकवा दी है, लेकिन अब आगे गुड़िया की जिंदगी कैसे संवरेगी, इसमें प्रशासन की क्या भूमिका होगी, हम चलते हैं प्रशासन के पास और बात करते हैं जिला के मुखिया से, और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के DC क्या कहते हैं। कोडरमा DC आदित्य रंजन ने बाल विवाह के खिलाफ गुड़िया के इस कदम की प्रशंसा की है, साथ ही प्रशासनिक मदद का भरोसा भी दिया है। उपायुक्त ने गुड़िया के परिवार को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और गुड़िया के आगे की पढ़ाई के लिए जिला प्रशासन की तरफ से बंदोबस्त करने की पहल शुरू कर दी है। इस पूरे प्रकरण पर DC रंजन का और क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बाल विवाह रोकने को लेकर के एक बच्ची के संघर्ष की गाथा की। राधा पांडे ने शुरुआत की है कोडरमा से, उम्मीद की एक लौ जमाई जगाई है इस बड़े बड़ी जो कहे कुरीतियाँ हैं देश समाज की, देश की, उसको मिटाने के लिए खुद अपने विवाह से विरोध कर शुरू की थी और आज गुड़िया की शादी रुकवाई है। अभी हमारे साथ कोडरमा के DC है, हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि राधा पांडे के इस संघर्ष में, इस लड़ाई में क्या कुछ परिणाम सामने आया है, क्योंकि जिला प्रशासन ने राधा पांडे के इस संघर्ष को
एक पहचान दी है, उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बाल विवाह के खिलाफ। और अब वो जो उसने जो लॉ जगाई है उम्मीद, उसको किस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से मदद मिल पा रही है। राधा पांडे और अब गुड़िया, आज गुड़िया की शादी को रुकवाने में प्रशासन ने बड़ी भूमिका निभाई, किस रूप में इस सारी चीज़ों को आप देखिए। एक तो मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस बच्ची को साधुवाद देना चाहूँगा जिसने खुद अपने लिए ये कदम उठाया और इतना साहसिक कदम परिवार के खिलाफ उठाना अपने आप में बड़ी बात है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार जो है लगातार ऐसी जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको हमेशा के लिए मिटाने में लगी हुई है, विभिन्न माध्यम से लगी हुई है, चाहे वो समाज कल्याण विभाग से हो या JSNPS के यूनिट से हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी एक बच्ची का खुद आगे आकर अपनी शादी रोकना अपने आप में एक बड़ी बात है। जिला प्रशासन की तरफ से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग उसको सम्मानित भी करेंगे और साथ ही साथ एक मैसेज के तहत उस आसपास में कोटवार पंचायत का जो गांव है उस गांव के आसपास पंचायत के आसपास हम लोग एक बृहद पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि क्यों बाल विवाह जो है वो सही नहीं है और उसके क्या क्या नुकसान है। कानून देखिए अपनी जगह है, बाल विवाह संबंधी कानून बहुत समय से हमारे यहाँ है किंतु फिर भी ये कुरीतियाँ ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सामाजिक समस्या है, कोई पूरे समाज की सोच की समस्या है, उसको अवेयरनेस और प्लानिंग से ही ख़त्म किया जा सकता है, उसी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। डीसी साहब अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से शुरुआत हुई है कोडरमा से 2 साल पहले राधा ने आंदोलन की शुरुआत की, जिला प्रशासन ने उस आंदोलन को न सिर्फ सराहा बल्कि उसे प्रोटेक्ट किया और एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने लाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया और अब उसका नतीजा सामने नजर आ रहा है। अब कई बच्चियां सामने आ रही हैं, अभी गुड़िया सामने आई, तो क्या इस मुहिम को इस जिला से बाहर भी ले जाने के प्रयास होगा? देखिए बतौर जिलाधिकारी मैं तो बस अपने जिले को से तो मैं इसको करने का पूरा प्रयास करूँगा, बाकी इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करके हम लोग जो है विभिन्न माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रेस मीडिया के भाई बंधु हमारे हैं उनके माध्यम से इसको थोड़ा स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे ताकि इनका जो साहसी कदम है वो दूसरे ज़िले के लोगों को भी पता चल सके। अच्छा अब बच्चियों को जो बच्ची अभी हुआ है जिसने विरोध किया शादी रोकन प्रशासन की तरफ से मदद की बात करी तो क्या कुछ मदद मिल पाई, क्योंकि उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं है, जो लड़के वाले हैं उन्होंने अभी तक वो लगातार दबाव डाल रहे हैं, तो किस तरह से प्रोटेक्शन मिल पाएगा और क्या कुछ आगे हो पाएगा उस परिवार को मदद? देखिए कभी भी आर्थिक समस्या को इससे जोड़ के हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये एक सही कदम है कि गलत कदम है। वैसे तो आर्थिक समस्या मुझे लगता है कि अधिकांश परिवारों में रहती है, लेकिन क्या उसके कारण लोगों का बाल विवाह बाल मजदूरी कर देना सही है? नहीं, सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जो योजनाएं हैं, योजनाओं के तरह से बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ जेन्युइनली नियमानुसार उनको मिलना चाहिए, वो चाहे पेंशन हो आवास हो, वो सब चीज़ें हम लोग एक बार असेसमेंट कर लेंगे ताकि जो मदद हो सके राज्य सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उसके परिवार को मदद मिले। बिल्कुल कोशिश भी यही चाहेगी कि आपके इस प्रयास को एक मौका मिल सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राधा पांडे ने जो आंदोलन शुरू किया है बाल विवाह के खिलाफ और आज गुड़िया उस आंदोलन की एक कड़ी बनी है, गुड़िया के साथ पूरा जिला प्रशासन खड़ा है, न सिर्फ उन्हें तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उस परिवार को देने की बात कर रही है, गुड़िया को सम्मानित करने की बात कर रही है, बल्कि उसे तमाम तरह की सुरक्षा देने की भी बात जिला के आयुक्त उन्होंने कहा है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा है बल्कि गुड़िया की यात्रा को सोशल मीडिया पर डालकर दूसरे जिले के जो बच्चियाँ हैं उन्हें भी प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि दूसरे जिले जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के 10 ऐसे ज़िले हैं जो देश के उन 100 जिलों में शामिल हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है, उन जिलों में गुड़िया और राधा की कहानियाँ लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा ताकि इस कुरीति पर रोक लग सके और बाल विवाह के खिलाफ झारखंड प्रदेश पे एक अगुआ राज्य बन करके सामने आए, लोगों के सामने में एक मिसाल पेश करे और बाल विवाह को पूरी तरीके से खत्म कर सके। गुड़िया को साहस देने के लिए बाल मंडली का पूरा सहयोग रहा है, गुड़िया बाल मंडली से भी जुड़ी है। गुड़िया का कहना है कि वो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़ी है और बाल विवाह के खिलाफ है, ऐसे में अगर वही बाल विवाह कर लेती है तो वो समाज में जागरूकता कैसे फैला सकेगी। बाल मंडली की अगुआ राधा से बात किया हमारे सहयोगी मनोज कुमार ने, सुनते हैं बाल मंडली ने क्या कुछ कहा।
इसके लिए भी आपके पास कोई योजना है? जी, योजना अगर पता चल, वैसे तो अभी पूरा हम देख मतलब ये नहीं हुए हैं, तो अगर पता चलेगा तो इतना तो कोशिश ज़रूर करेंगे कि वहाँ जा करके उसे समझाने का प्रयास करके और उन्हें भी उसे आज़ाद मतलब उनके अधिकार प्राप्त हो सके, इतना तो प्रयास ज़रूर करेंगे। तो अभी आप जब ये सारे काम करती हैं तो कई जगह दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा, विरोध भी होता होगा, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग कैसे आप रोकती हैं विरोध को? मान लीजिए अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, किसी के परिवार में अगर शादी को अगर आप रुकवाना चाह रहे हो तो निश्चित है उनके परिवार वालों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनके बच्चियों को भड़का रही हैं, तो इन सारे चीज़ों से आप कैसे निपटती हैं? बहुत समझाने के बाद भी लोगों बहुत तरह तरह की बात बोलते हैं, फिर वो मतलब धमकी भी देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर वो सबको हम लोग नज़रअंदाज करते हुए और संगठन के थ्रू उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि उसकी शादी ना हो। और इन सारे चीज़ों में अब आपके परिवार वाले, घर परिवार और दूसरे जो समाज प्रशासन के लोगों का कितना साथ मिल पाता है? अभी जब बोलते हैं, जब हम लोग को लगता है कि उन लोगों की ज़रूरत है, जब कॉल एक कॉल में ही सब आ जाते हैं हम लोग की मतलब। अब ये आंदोलन आपका रंग लाने लगा है, शुरू में काफ़ी परेशानी हुई, काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब नहीं, अब जब भी बुलाते तब आ जाते। मतलब संस्था भी साथ खड़ी है, प्रशासन भी साथ खड़े हैं, घर परिवार और समाज के गांव के लोग भी अब साथ खड़े होते हैं। हाँ, सब साथ में अभी सब मिल करके और हम लोग मिल कर रहे हैं, तो सब साथ मिल करके अब बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब हम चलते हैं गुड़िया के घर और देखते हैं कि वहाँ शादी की क्या कुछ तैयारी चल रही है और वहाँ शादी को रुकवाने को लेकर के जो प्रयास किया गया है वो प्रयास कितना कामयाब होता नज़र आ रहा है। हम बात करेंगे जिला प्रशासन के लोगों से भी और यह जानेंगे कि इस पूरे मुहिम में जिला प्रशासन राधा के साथ कितना खड़ा है, बाल विवाह को रोकने में राधा का यह प्रयास कितना मददगार हुआ है जिला प्रशासन के उस मुहिम को जो बाल विवाह के खिलाफ प्रशासन के द्वारा चलाया जाता है। अपनी बाल विवाह, अपनी शादी का विरोध घर से शुरू करने के बाद जब स्वयंसेवी संस्था कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और जिला प्रशासन का साथ मिला राधा को, तो राधा निकल पड़ी एक ऐसे मुहिम पर कि इस पूरे गांव को बाल विवाह से मुक्त कराना है। क्योंकि इस गांव की अगर हम बात करेंगे तो इस गांव में कई ऐसे मामले थे जहाँ बाल विवाह की शिकायतें मिली थी, खुद राधा की बहन का भी बाल विवाह हुआ था। अब उस मुहिम से जुड़ने के बाद गांव की बच्चियों को इकट्ठा कर जिसने मुहिम शुरू की, इस मुहिम में बच्चियों को सबसे पहले समझाया, उन्हें जागरूक किया और जागरूक करने के बाद उन्हें अपने इस लड़ाई में साथ जोड़ा ताकि कभी किसी भी बच्ची के साथ बाल विवाह ना हो और वो उस दंश को ना छोड़े। हम बात करते हैं राधा से। राधा, आप बताओ यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सर हम लोग बाल पंचायत के बच्चे मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में क्या हो रहा है? इस मीटिंग में सर पहले तो बाल पंचायत से तात्पर्य मतलब बाल पंचायत में मीटिंग यह होता है कि जो भी बच्चों के साथ बुराई हो रहा है, जैसे जो बच्चा शिक्षा से वंचित है या तो फिर बाल मजदूरी करने जा रहा है और बाल विवाह हो रहा है, बाल शोषण हो रहा है, उसके प्रति अगर हम लोग बाल पंचायत के बच्चों को अगर पता चलता है तो उसी को बात हम लोग वही बात को लेकर के सब बाल पंचायत के बच्चे बैठ के मीटिंग करते हैं, उसके बाद उसी से हम लोग निर्णय निकालते हैं तो उस बच्चे को उस चीज़ से छुड़ा करके कैसे हम लोग शिक्षा की ओर जोड़ें। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो अभी आज के इस मीटिंग का मुद्दा क्या है? आज की मीटिंग का मुद्दा ये है कि आज गुड़िया की बाल विवाह हो रही है, इसे रोकने के लिए हम उनके घर जा रहे हैं, उनको आने के लिए उसकी शादी, क्योंकि अगर इस उम्र में तो उसका शादी उम्र हुआ नहीं है, अगर इस उम्र में उसका शादी हो जाएगा तो उसका बहुत कठिनाइयाँ सहनी पड़ेगी, इसीलिए उनके घर हो जाकर समझाएंगे कि शादी ना करें, यही मुद्दा। और अगर उसके परिवार वाले नहीं माने तो आप लोग क्या करेंगे? अगर उसके परिवार लोग नहीं माने तो हम अपने कार्यकर्ता जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हें फिर बात करेंगे, और अगर वो भी नहीं हुआ तो हम उससे आगे भी बढ़ेंगे, और उससे आगे भी नहीं हुआ तो हम थाना को जुमचा के फिर वहाँ पे अपने मतलब कानून की मदद माध्यम से मदद करेंगे। और अगर इस मुहिम में विरोध हुआ, गांव वाले परिवार वाले उन लोगों ने कहा कि नहीं हमारे परिवार का मामला है, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो, तब ये क्या परिवार का मामला बनता है? नहीं,
नहीं, ये परिवार का मामला तो नहीं बनता है, लेकिन उन लोग समझते नहीं है इस बात, सोचते हैं कि हमारे घर की मैटर है, आप लोग यहाँ तक कि दबाव भी मिलता है हम लोगों को कि हम लोग का बात है, आप लोग क्यों आए, हम लोग घर का मैटर है तो क्यों आए, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी बच्ची का कम उम्र में शादी हो रहा है उनका भी कोई सपना है कि हम भी कुछ करेंगे, हम भी पढ़ेंगे, अगर हम भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर जो आगे की जो कोई भी हमसे जो बड़ी है जो वो कर रही है तो हम भी तो वो कर सकते हैं। तो अगर उनको कम उम्र में उनका शादी करा दी जाए तो वो फिर घर संभालेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे या तो फिर हर मतलब हर परिवार का दबाव जो उन पे हो जाती है शादी के बाद वो उनको मतलब सहने में थोड़ा कठिनाइयों का ये करना पड़ता है। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उनके जो अधिकार हैं वो उन्हें मिले और जो कम उम्र में जो शादी हो रहा है वो नहीं। मतलब ये परिवार का मामला नहीं बनता है, बच्ची के अधिकार का मामला बनता है, समाज का मामला बनता है क्या? हाँ, ये परिवार का मामला बनता है, लेकिन फिर भी हम लोग बच्चों का मामला भी पड़ता है क्योंकि ये बच्चे का बात होता है, इसलिए परिवार से अलग मतलब बच्चों का भी अधिकार होता है, इसलिए हम लोग बच्चों के बच्चे के अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो क्या बच्चे का अधिकार है? क्या उसको उसके माँ बाप अगर चाह रहे हैं कि अच्छे जगह पे शादी हो जाए तो ये गलत है क्या? गलत नहीं है, माँ बाप भी सोचते सही है, लेकिन हम लोग को भी तो कम उम्र में अगर शादी कर दिया जाए तो हम लोग को भी तो सपना है जो पढ़ लिख के हम लोग भी कुछ बने। तो शादी होने से नहीं होगा ये सपना पूरा? नहीं, शादी होने से होगा कैसे नहीं, लेकिन अगर कम उम्र में शादी हो जाए तो घर परिवार को उतना दबाव पड़ने से नहीं पड़ पाता। तो आज अब गुड़िया का जानकारी मिला है तो कैसे आप लोग इस गुड़िया की शादी को आप लोग रुकवाएंगे? अब क्या आगे की रणनीति क्या बनी है इस पंचायत में? आज इस बाल पंचायत में यही मतलब इसका निर्णय लिया गया है कि पहले गुड़िया का घर जा करके उनके माता पिता को समझाएंगे कि ये कम उम्र में शादी करने से क्या मतलब लड़कियों को किन किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्या उसे मतलब दुरुपयोग मतलब उनके होता है। उसके बाद अगर वो नहीं माने तो फिर कार्यकर्ता को बुलाएंगे, जो हमारे कैलाश सत्यार्थी संगठन के जो बाल मित्र ग्राम के जो कार्यकर्ता हैं उनको बुला करके फिर उनको वो फिर समझाएंगे, जब वो नहीं मानेंगे उसके बाद हम लोग थाना या पुलिस का प्रशासन का मदद लेंगे। पुलिस और प्रशासन की मदद जब आप मांगने जाती है तो मिलता है पूरा? हाँ, क्या क्या सहयोग करते हैं लोग? वो सहयोग करते हैं, पहले उन मतलब वो पहले हम लोग को खुद देखना चाहते हैं कि हम लोग एक्टिव या तो फिर हम लोग पहले वो काम कर सकते हैं कि नहीं, जब हम लोग से वो काम नहीं होता है तो फिर उन लोग आ करके फिर खुद समझा करके और उन मतलब किसी तरह से शादी करते हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों के अनुसार बाल विवाह के मामले में झारखंड देश में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, झारखंड के 10 जिले देश के सर्वाधिक बाल विवाह वाले 100 जिलों में भी शामिल है, जिसमें कोडरमा में भी एक है। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा ज्यादा हो तो रोशनी भी वहीं से निकलती है। गुड़िया जैसी और भी तमाम लड़कियों से ऐसी ही रोशनी की जरूरत है। उम्मीद है समाज में बदलाव की बयार बहेगी। ट्रेंड चेंजर में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।